राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। उसी तरह शहर में वैरायटी चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें आदरांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर विविध संगठनों राजकीय पक्षों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर आदरांजलि दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन नथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज देश में नथुराम गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिसका निषेध राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने किया है। महात्मा जी गांधी इनकी आज पुण्यतिथि है और आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि परम पूज्य महात्मा जी गांधी ने अहिंसा के मार्ग से भारत को स्वतंत्रता दिलवाई और ऐसे महात्मा जी गांधी का जो हत्या जो की गई, नथुराम जी गोडसे इन्होंने जो हत्या की उसके पीछे किसकी साजिश थी ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दुख की बात है कि परम पूज्य महात्मा जी गांधी इनकी हत्या नथुराम गोडसे इन्होंने करने के बाद नथुराम गोडसे इनके संबंध किसके थे, कौन से पार्टी के साथ थे, इसकी भी जानकारी सभी को है। उसके बावजूद भी आज नथुराम गोडसे का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, उसके नाम से कुछ राज्य में मंदिर बनाए जाते हैं, ये सरासर गलत है। इसका हम धिक्कार करते कि जिस महापुरुष ने अहिंसा द्वारा अपने को भारत को स्वतंत्र दिलवाया, ऐसे महापुरुष की हत्या का जो प्रमुख आरोपी है कि जिसने हत्या की, इस प्रकार से उसके नाम से मंदिर बनाया जाना ये सरासर गलत है। महाराष्ट्र में ऐसी कहां भी घटना होंगी तो उसका हम जरूर उसकी पर पाबंदी लगाने का काम करेंगे। गृह मंत्री देशमुख इन्होंने महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर गांधी जी के प्रतिमा को माल्यार्पण किया। इस समय राष्ट्रवादी के नेता रमेश बंग, अनिल अहिरकर व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ और सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।